हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 27 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग का ये एग्जांपल। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कर्व ट्रेसिंग का कुछ एग्जांपल पढ़े थे और इसे नेक्स्ट वीडियो में भी हम कर्व ट्रेसिंग के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके बाद पोलर फॉर्म में कर्व ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले फिलहाल हम सिंपली एक्स वाई पैरामीटर में किस तरह से हम कर्व ट्रेसिंग करते हैं ये पढ़ेंगे। तो फिर सबसे पहले पोलर यहाँ पे कर्व ट्रेसिंग के लिए हमें ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक्स माइनस ए स्क्वायर दे रखा है। तो पहले कर्व ट्रेसिंग के लिए हमें 2D ग्राफ बनाना होगा। सिंपली 2D ग्राफ बना लिया। अब फर्स्ट देखते हैं हम इसकी सिमेट्री। पहला काम है वो होता है हमारा सिमेट्री देखना कि वो किस किसके सिमेट्रिक है। तो फिर अगर इसमें हम देखें तो वाई जो है वाई की जो पावर है वो पॉजिटिव है, वाई की पावर है वो पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो चूंकि आर पावर ऑफ वाई आर इवन, सभी पावर जो है इवन है, सो इट इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। जब y की सिमेट्रिक होगा, जब y की पावर इवन होंगी तो x की सिमेट्रिक होगा, जब x की साइड पावर इवन होंगी तो y की सिमेट्रिक होगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास। अपने सिमेट्रिक की पता चल गया। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके ये सेकंड पार्ट देखते हैं ओरिजिन से होकर जाता है या नहीं। तो ओरिजिन से जाने के लिए हम क्या करते हैं, 0 0 पर सेटिस्फाई करा के देखते हैं। अगर x इक्वल टू 0 x और y दोनों को 0 0 सेटिस्फाई कराते हैं टू चेक एट ओरिजिन। ओरिजिन को चेक करते हैं तो 0 0 सेटिस्फाई कराते हैं तो यहाँ पे ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वो पता चल गया ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ है, कर्व है, वो 0 0 से जाता है। अब हमें यहाँ तक ये पता चल गया कि ग्राफ का इतना पता चल गया कि एक तरफ जैसे एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, यानी एक तरफ ऊपर का ग्राफ बना लेंगे तो उसी को हम नीचे कॉपी कर देंगे। अगर नीचे के ग्राफ बना लेंगे तो उसको हम ऊपर कॉपी कर देंगे। तो ये तो हमारे पास पता चल गया। सेकेंड अगर हम देखें तो हमें पता चल गया ये कर्व जो है 0 0 से जाता है, ये हमें पता चल गया। अब थर्ड अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट अगर देखें तो हम देखेंगे पहले कि इसके एक्सिस पे पॉइंट कितने केस है, यानी पहले हम देखेंगे अगर x बराबर 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है। x बराबर 0 पुट करें इसमें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ये 0 0 से तो होकर जा रहा है और y के किसी और एक्सिस पे और कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, ये पता चल गया। यानी y के एक ही यहीं पे कट करेगा और कहीं भी कट नहीं करेगा। अब फिर से एक बात हमें ये पता चल गई, सेकंड बात हमें ये पता चल चुकी है कि ये जिस तरह एक तरफ होगा जैसे ऊपर होगा ग्राफ वैसे ही नीचे होगा। तो सपोज हमारे पास ग्राफ इस तरह से होगा तो ये नीचे भी इस तरह से होगा, या फिर इस तरह से होगा तो ये इस तरह से होगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ग्राफ बनेगा, जो जो भी ग्राफ बनेगा हमारे पास वो वाई एक्स को एक बार ही कट करेगा और वो वाई एक्स के एक ही तरफ बनेगा, या तो इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा। अब हमें ये पता चल चुका है यहां से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अगर y बराबर 0 पुट करें तो x बराबर क्या क्या आता है। तो y बराबर 0 पुट किया तो हमारे पास y बराबर 0 पुट करने पे आ गया x x माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, ये आ चुके हैं हमारे पास। यानी x इक्वल टू 0 पे जाएगा ग्राफ और x इक्वल टू सपोज यहाँ पे a है पॉजिटिव साइड तो यहाँ पे x इक्वल टू a पे जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब ये तो हमें पता चल गया कि ग्राफ 0 से जाके ए पे जाएगा, ये हमें पता है। अब हमें देखना है कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट किस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए जहां पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो चेक करेंगे, या फिर उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका एरिया यानी ग्राफ जो है वो किस एरिया में बनेगा। एक्स पूरे ग्राफ इस तरफ, ये तो हमें पता चल गया ये इधर ही बनेगा ग्राफ, क्योंकि एक पॉइंट इसका इधर आ गया और हमने यहां से ओरिजिन से चेक कर लिया था कि एक ही वाई को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब वो ग्राफ एक ही तरफ बनेगा। जैसा भी वो इधर बन जाएगा वैसा ही इधर बन जाएगा। अब हमें ये देखना है ये एक्स की वैल्यू कहां तक ले जा सकता है अपने साथ, तो पहले ये चेक करना है।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, इसका एरिया देखते हैं हम, एरिया एरिया ऑफ कर्व ट्रेसिंग, एरिया ऑफ कर्व, तो कर्व ट्रेसिंग अब ये देखना है हमें। तो यहां से हम क्या करते हैं, वाई बराबर, या तो हम दो काम कर सकते हैं, जैसे वाई पहले तो ये कर लेते हैं, ए वाई स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास एक्स, एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन, यहां पे अगर ए वाई वाई स्क्वायर बराबर ले जाए तो ए, या वाई बराबर रूट ऑफ एक्स एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब फिर अगर हम एक्स की वैल्यू को देखें, एक्स की वैल्यू अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू के केस में ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव अंदर की टर्म नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो जो वैल्यू रूट की वैल्यू जो चेंज होगी वो इस एक्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी। सपोज एक्स अगर हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे पास इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, वाई की एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, अगर वाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यानी एक्स जो है नेगेटिव पार्ट की तरफ जाएगा भी नहीं, जो हम पहले भी शो कर रहे थे कि एक ही तरफ ग्राफ बनेगा सिमेट्री से, तो यहां से हमारे पास चल गया कि एक्स का इधर जाएगा ही नहीं ये ग्राफ, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हमें पता चल गया इसका एरिया जो है ये डिफाइन है ओनली एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये डिफाइन है हमारे पास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स का जो एरिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब ये हो गए हमारे पास। अब यहां से हम ट्राई कर सकते हैं इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स निकालने के लिए, या फिर हम कहें इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, हमें डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालना होगा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई निकालना होगा। अब ये निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, सपोज एफ बराबर ये ले लें, एफ बराबर ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर यहां पर हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये वाई अलग कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स को छोड़कर, एक्स को छोड़ा हमने और इसका किया तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस ए इसका, और अब इसको छोड़ा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए, अगर कॉमन ले रहे हैं हम, एक्स माइनस ए कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बच जाएगा हमारे पास टू एक्स, टू एक्स, और यहां से प्लस एक्स माइनस ए, तो ये आ गया हमारे पास एक्स बराबर ए, एक तो एक्स बराबर ए यहां से, और ये थ्री एक्स माइनस ए यानी एक्स बराबर ए बाई थ्री, ये हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गए। तो यहां से हमारे पास कर्व की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। और अगर हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकाल लें, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लें, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई के केस में यह आ जाएगा हमारे पास ओनली टू ए वाई। तो यहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाई बराबर जीरो, यानी कि इसकी जो वैल्यूज है वो एक तो यहां पे चेंज होगी और एक एक्स बराबर ए और ए बाई थ्री, जहां पे ए बाई थ्री नहीं होगा यहां पे ये होगा, इन पे पॉइंट्स की वैल्यू चेंज होगी। अब फ्रेंड्स ये हम क्या करते, हाँ जीरो और ए बाई थ्री पे वैल्यू देखते हैं, जीरो और ए बाई थ्री नहीं, एक्स की वैल्यू ए बाई थ्री है, वाई की वैल्यू जीरो है, तब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो हमारे पास ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं, तब इस फंक्शन की अगर वैल्यू देखते हैं यहां पे, सॉरी अब इस फंक्शन की वैल्यू देखनी है हमें एट वाई बराबर जीरो, सॉरी ए बाई थ्री और ये जीरो, ए बाई थ्री एंड जीरो पे हम वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास ये तो हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली हम फंक्शन एफ इस फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं तो ये तो हो जाएगा जीरो, इसकी अगर वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा ए बाई थ्री अपॉन ए बाई थ्री माइनस ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बाई थ्री और ये हो गया हमारे पास, ये हो गया यहां से हमारे पास टू ए बाई थ्री का स्क्वायर, तो ये हो गया क्योंकि ये हो जाएगा हमारे पास टू ए बाई थ्री माइनस का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा फोर ए स्क्वायर अपॉन नाइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल फोर ए क्यू अपॉन नाइन, यानी कि एक पॉइंट जो होगी फंक्शन की वैल्यू यहां पे इधर होगी, ये हो गया हमारे पास।
अब यहाँ से ये तो मैं पता चल गया कि ये कुछ इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब ये सब कुछ देखने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू जैसे एक्स बराबर ए पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं फंक्शन की, या वाई की वैल्यू ए बराबर या एक्स बराबर ए बाई थ्री पे देख लेते हैं वाई की वैल्यू क्या आती है। इसी तरह से यहाँ अगर यहाँ पे देखें एक्स बराबर ए बाई थ्री पे वाई की वैल्यू देखना चाहे तो एक्स बराबर ए बाई थ्री पे ए बाई थ्री पे ये वैल्यू पुट की तो ये आ गया हमारे पास। तो वाई बराबर जो आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 2a by 3 ये आएगा, क्योंकि a by square बराबर हमारे पास था 4aq upon 9, तो यहाँ पे अगर a से a कट जाएगा तो square रह जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2a upon 3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे प्लस 2a by 3 होगा और यहाँ माइनस 2a by 3 होगा, ये हो गया। अब a की वैल्यू एक बार a से बड़ा रख के देख लेते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर हम 2a रख देते हैं 2a 2a के केस में ये हो जाएगा हमारे पास 2a डॉट a, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और क्यूब बराबर a बाय स्क्वायर, तो यहाँ उस कंडीशन हमारे पास a से a 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा y बराबर रूट ऑफ 2a। तो इस तरह से यहाँ पे भी इसकी रूट प्लस माइनस रूट ऑफ 2a वैल्यू आ चुकी है, यानी कि इधर से जब a से जो बड़ा करते हैं हम 2a तब भी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इस तरफ जा रही है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ से ये पता चल गया कि ग्राफ यहाँ से चलेगा इस पॉइंट पे भी जाएगा, और चूंकि हमारे पास सीधी लाइन नहीं है तो हम इस ग्राफ को सीधी लाइन बनाएंगे भी नहीं, तो यहाँ से होगा इस तरह से जाएगा इस तरह से, फिर ये इस पॉइंट से होकर निकल जाएगा इस तरह से, यहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा और इस पॉइंट से होकर निकल जाएगा। तो फिर इस तरह से हम किसी भी कर्व की ट्रेसिंग कर सकते हैं, कर्व को बना सकते हैं। तो ये सब कुछ करके जो कर्व हमारे पास फाइनल जो कर्व बनी वो ये कर्व बनी। तो इस तरह से कर्व ट्रेसिंग के और भी लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, मैंने कुछ इसके पॉइंट्स छोड़े हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, जो हो सकता है हमने इसमें एसिम्प्टोट्स चेक नहीं की, इसे अनंत स्पर्श की आती या स्पर्श रेखा चेक नहीं की थी। बेसिकली हमें सिर्फ कर्व बनानी होती है, कर्व का प्रारूप जो फॉर्म होगी वो किस तरह की होगी। तो ये हमारे पास ये फॉर्म है, ये इस तरह का फॉर्म होगा, इस तरह से हम कर्व का फॉर्म बना सकते हैं। तो बहुत सी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर एग्जैक्ट कर्व बनानी है तो उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी हम साथ में ले सकते हैं। जैसे इसकी अगर टेंजेंट, इसकी टेंजेंट चेक करना चाहे तो टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट के बेसिस पे और एक क्लियर बन जाएगा। तो उस तरह से अगर फिक्स वो बनाना है ग्राफ तो उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर देखिए। ये सिंपल अगर कहीं भी हमारे पास नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, तो ये बेसिक से पॉइंट्स जो हम चेक कर सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।